खुदा राम आई बंगा, मुझे इस कैद से निजात दिलवाइए। हमारी बात गौर से सुनो अबुल माली। बैरम खान की जिंदगी हमारे इरादों और तुम्हारी तरक्की के रास्ते में मौत बनकर खड़ी है। अगर उसे राह से ना हटाया गया तो हमारे सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। हमें एक बार यहाँ से निकलवा दीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। इस शर्त पर कि अब तुम वही करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। तुम इसी वक्त कैद खाने से निकलकर काबुल की ओर रवाना हो जाओगे और तब तक दिल्ली का रुख नहीं करोगे जब तक हालात और हवा का रुख बदलकर हमारे मुआफिक नहीं हो जाता। और ये खबर हम तुम्हें देंगे कि हमारे और शहजादे के बीच से बैरम खान को हटा देने का वक्त आ गया है और तब तुम बैरम खान की मौत बनकर वापस आओगे। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। अबुल मालिक फरार हो गए। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी मंजूरी लिए बगैर उन्हें गिरफ्तार ही क्यों किया गया था। ये जसारत खादिम ने इस वजह से की थी कि शहजादाई आली मुकाम के आराम का वक्त हो गया था और आराम में खलल डालना खादिम ने मुनासिब नहीं समझा। और ये कदम ये सोच कर भी उठाया गया था कि सुबह होते ही आपकी मंजूरी हासिल कर ली जाएगी और सुबह होने से पहले वो हमारे एक बहादुर सिपाही को हलाल करके फरार हो गया। क्यों? हमें यकीन है कि अबुल माली जैसा औबाश शराबी अपने राशाज़दा और कमजोर हाथों से गुलगीर जैसे दिलेर सिपाही का खात्मा नहीं कर सकता। खंजर यकीनन उसके किसी सख्त गीर और संग दिल हमदर्द के हाथों में रहा होगा। क्या यह मुनासिब ना होगा कि शाह बाबा को इसके तला भेज दे? खादिम मुत्तफिक नहीं है। सबब जिल्ले लाही अबुल मौली को बहुत अजीज रखते थे। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका नमक ख्वार इतना बड़ा नमक हराम निकला तो उन्हें सख्त सदमा होगा। खादिम का ख्याल है कि गद्दारी की यह दास्तान वक्त और मौका देखकर उन्हें सुनाई जाए। फिलहाल उनकी परेशानियों में इजाफा करना मुनासिब ना होगा। पंजाब के हालात सुधरते ही हम खुद उन्हें इत्तला कर देंगे। लेकिन हमारे शाह बाबा हमारे पैगाम का इंतजार कर रहे होंगे। मरहबा, यकीनन मुसव्विर का कलम चूम लेने के काबिल है। ये बेजान लकीर और रंग की यह खूबसूरत तरतीब, ऐसा लगता है बस ये तस्वीर अभी हुई है। मुसव्विर को पेश किया जाए, यकीनन ये तस्वीर इनाम के मुस्तहिक है। ये तस्वीर किसी मुसव्विर ने नहीं मलिका एरा लिया, शहजादी सलीमा ने खुद बनाई थी और वो आज ही काबुल से तशरीफ लाई। शहजादी सलीमा सुल्तान? शहजादी सलीमा बेगम आपकी बहन शहजादी गुलरंग की साहबजादी और आपकी भांजी है। उन्हें एहतराम से हमारे हुजूर पेश किया जाए। निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। ये शेर किस कदर हसीन और मुनासिब है, वाह क्या खूब है।
हैं शहजादी सलीमा, आपके आने से हम दोनों बेहद खुश हुए। आप बहुत ही बकमाल शख्सियत है शहजादी सलीमा। आपने यह तस्वीर क्या बनाई, बल्कि यूं कहिए कि हमारे शहजादे को हमारे रूबरू कर दिया। आपको हमसे इत्तफाक है ना बेगम? तस्वीर तो सिर्फ नजर की तसल्ली के लिए होती है मेरे बादशाह, दिल की नहीं। दिल की तसल्ली तो सिर्फ उससे मिलकर होगी। काश हमारा अकबरा तो हमारे पास होता। लेकिन आपने तो हमारे शहजादे को देखा ही नहीं, फिर आपने ये तस्वीर कैसे बनाई जो कि हूबहू उसी का अक्स है? हमने शहजादा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में बहुत सी बातें और कहानियां सुनी हैं। हमारे तस्वीर में जब भी उनकी शक्ल उभरती है यही होती है। आज आपकी जबान से हमें पता चला हमारा तस्वीर महज तस्वीर नहीं था, हकीकत था। और हमारी सलीमा बहुत अच्छी शायरा भी है। हमें यकीन है ये एक बहुत अच्छी शायरा होगी और माँ बदौलत इनकी शायरी से लुत्फ उठाने के लिए बेकरार। शहजादी सलीमा, अब आप दो घड़ी आराम कर लें, दूर के सफर से आई हैं, और फिर आराम से बैठकर आपकी शायरी भी सुनेंगे और खानदान वालों के हाल भी। काश हमारा अकबर आज हमारे पास होता बेगम, वो शहजादी सलीमा से मिलकर कितना खुश होता। बेशक मेरे बादशाह, शहजादी सलीमा खूबसूरत भी हैं और खूबसूरत भी, पर अब तो खुदा का शुक्र है कि आपकी तमाम परेशानियां दूर हो गई होंगी। अब तो हमारे शहंशाह को कोई गम ना होगा। गम तब तक खत्म नहीं होता बेगम जब तक इंसान जिंदगी से निजात नहीं पा लेता। हाँ, बजाहिर हमें कोई गम नहीं है, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियादें मजबूत नहीं हो जाती और जब तक आपका अकबरा मुगलिया सल्तनत की जिम्मेदारियां संभालने के लायक नहीं हो जाता, कोई भरोसा नहीं कि कब किस तरफ से अनदेखा दुश्मन आए और हम पर हमला कर बैठे। काली जय भवानी, चंड मंड महिषासर मर्दनी। जब तक इन भुजाओं में दम है और जब तक इस तलवार में शत्रु का सर काटने की शक्ति है, तब तक हेमराज मुगलों को इस धरती पर चैन की सांस नहीं लेने देगा, नहीं लेने देगा। मां, आज हेमराज तेरा भक्त तेरे सामने प्रतिज्ञा करता है। आशीर्वाद दे मां। हमारे सरदार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस देश की धरती से निकाल भगाया था। शेरशाह के परलोक सिधारते ही हुमायूं का हौसला बढ़ गया। वो समझता है कि उसके बाद इस धरती पर घमंडी मुगलों को रोकने वाला कोई नहीं रह गया। ये उसकी भूल है। उसे मालूम होना चाहिए कि हेमराज उसकी राह में पहाड़ बनकर खड़ा है, जिसे वो कभी पार नहीं कर सकता। असंभव।
तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि सिकंदर सूरी ने हमें दोस्ती का संदेश भेजा है। अब हम दोनों मिलकर दुष्ट मुगलों को करारी मात देंगे, फिर दिल्ली हमारी होगी, हमारी। हम आप सबके सामने सौगंध लेते हैं, जब तक हमारे शरीर में जान है हम मुगलों की ताबेदारी कबूल नहीं करेंगे। हम सौगंध लेते हैं कि मुगल इस धरती पर अपनी कब्रें तो बना सकते हैं, लेकिन रहने के लिए मकान नहीं, असंभव, उन्हें यहां से निकलना ही होगा। अब जबकि हमने ये फैसला कर ही लिया है कि सर जमीने हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए हमारा वतन बन चुका है, फरगना और समरकंद से हमारा सदियों पुराना रिश्ता खुद ब खुद टूट गया। अब इसी खूबसूरत सरजमीन पर हमारे घर भी बनेंगे और हमारी कब्रें भी। जजाक अल्लाह, बहुत मुबारक फैसला है। दरअसल ये फैसला हमने बहुत पहले ही कर लिया था, सिर्फ ऐलान आज फरमा रहे हैं। हमारे दिल में यह ख्याल उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन हमें यह खबर मिली थी कि अल्लाह ताला ने हमारे वारिस और वलीअहद को भेजने के लिए राजकोट की सरजमीन का इंतखाब किया है। और फिर जब हमारे नूरे चश्म के नन्हे से बदन में जिंदगी का पैगाम बनकर दूध का पहला कतरा एक मेहरबान राजपूत औरत के सीने से पहुंचा, तो बखुदा हमें यह एहसास हुआ कि गैब से इशारा हो रहा है कि सरजमीन हिंदुस्तान से हमारा एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका है जो ता कयामत तक बरकरार रहेगा। हमने आप तमाम उल्मा हजरात को इसलिए जहमत दी थी कि हम अपने इस नायाब मुल्क को दुनिया का सबसे शानदार मुल्क बनाना चाहते हैं, और ये काम अंजाम देने के लिए हमें आप तमाम हजरात की जरूरत है। मां बदौलत ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हजरात दीनी काम के सिलसिले में इस मुल्क का गोशा गोशा देख चुके हैं। आप अपने तजुर्बात की रोशनी में इस मुल्क के लिए एक तरक्याती मंसूबा बनाएं, लेकिन यह काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। खुदा ना ख्वास्ता जिल्ले सुभानी, अब तो तमाम दुश्वारियां दूर हो चुकी हैं। अब तो आपको अल्लाह के फजलो करम से इत्मीनान और सुकून हासिल है, अब वक्त की क्या कमी है। जिल्ले इलाही तो माशाल्लाह सितारा शनास भी हैं। हुजूर अपने इल्म से भी जान सकते हैं कि आपके पास किस कदर वक्त है। खुद सितारों को यह नहीं मालूम कि उन्हें किस घड़ी फना हो जाना है। मौत और जिंदगी का निजाम तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, यह सिर्फ वही जानता है कि किसकी सांस की जंजीर किस वक्त और कहां टूटेगी। हर उस इंसान की तरह जो सामान तो 100 बरस का रखता है लेकिन जिसे अगले पल की खबर नहीं होती। हुमायूं को भी नहीं मालूम था कि मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज आज उसे अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज की तरफ बुला रही थी। मस्जिद की तरफ उठने वाला हर कदम उसे इस दुनिया से दूर और उस दुनिया के करीब कर रहा था जहां से कोई वापस नहीं आता। 24 जनवरी 1556 का दिन अपने दामन अच्छा छुपा कर लाया था। कुतुब खाने से उतरते वक्त उनके कदम अबा से उलझ गए और लौटते हुए जमीन पर आ गए। शहजादा, शहजादा, हमारा शहजादा
अकबर, 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 हमारा शहजादा, मेरा बेटा, शहजादा, अकबर, अकबर, अकबरा, मेरा अकबरा, अकबरा, मेरा अकबरा, अकबरा, मेरा अकबरा। शाह ने मुगल की अजमतों के निशान जलाले तैमूर के वारिस अजमे बाबरी के अलमबरदार और हमारी उम्मीदों के जगमगाते चिराग अब हमारे अजीम ख्वाबों की तमकती हुई ताबीर है। अकबर नूरे चश्म कल सरे दरबार बहसियत शहंशाह आपको एक अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए हमारे फख्र और खुशियों का कोई ठिकाना न था, मगर आज जब आप रुख्सत लेकर हमारी निगाहों से ओझल होने जा रहे हैं तो एक शफीक पाप की कड़ी आजमाइश का वक्त है कि वह किस तरह से अपने जज्बात पर काबू पाए। आपकी जुदाई के लिए हमारा दिल पाश पाश हुआ चाहता है क्योंकि जाने हुमायूं हमें आपसे मोहब्बत है, बेपनाह नाकाबिले बयान मोहब्बत। अकबर मेरे बच्चे, अकबरा, अकबरा, मेरे बच्चे, रोक लो जौहर, मेरे शहजादे को रोक लो, मेरे बच्चे को रोक लो जौहर, उसे उसे सफर पे जाने से रोक लो, मत जाने दो उसे, ये बाप अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, जौहर, 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 रोक लो मेरे बच्चे को। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। قالوا ان لله وان لله راجعون बेशक सब अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह की तरफ लौट जाते हैं। हमारे आका भी आज अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। सब्र करो भाइयों, सब्र करो, बेहतर होगा कि यह अलमनाक खबर महले सरा तक पहुंचा दी जाए। खबरदार कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। माफ करना दोस्तों, लेकिन जब तक यह खबर वलीहद शहजादे अकबर और अतालीक बैरम खान खाना तक ना पहुंच जाए तब तक इस खबर को अहले शहर और अहले महल से राज में रखा जाए। उन्हें सिर्फ यह खबर दी जाए कि आका भी तवील बेहोशी में मुब्तला हैं।